हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको इस वीडियो में अनलाइक फ्रैक्शन बताने वाला हूँ कि अनलाइक फ्रैक्शन होता क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शन अच्छे से समझना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि अनलाइक फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन का डिफिनेशन होता क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। इसका मतलब हुआ कि जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, मतलब जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा अच्छे से। जैसे कि मैंने लिखा 2/5, 5/7, 9/13। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या है, 2/5 है, ठीक है, 5/7 है, 9/13 है। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर तीनों का अलग अलग है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 है, इसमें डिनोमिनेटर क्या है, 13 है। तो जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, ठीक है, उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा 6/9 एंड 2/5। अब यहाँ पर देखिए इनका डिनोमिनेटर क्या है, इनका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। ये क्या है, इसमें 9 है डिनोमिनेटर, इसमें क्या है, 5। तो दोनों के क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में अनलाइक फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आया है। अगर स्टूडेंट अनलाइक फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट।